एक बार एक बूढ़ी औरत जिसकी नज़र कमज़ोर हो चुकी थी एक नेत्र चिकित्सक के पास गई। नेत्र चिकित्सक ने महिला की जांच की और उसके नेत्रों का ऑपरेशन कर उसे घर भेज दिया। महिला बहुत प्रसन्न थी कि डॉक्टर कितना भला है कि उसने उसके घर आकर मरहम पट्टी करने का वादा किया है। वह डॉक्टर को धन्यवाद देकर अपने घर वापस आ गई, परंतु उस महिला को डॉक्टर के बारे में सही जानकारी नहीं थी। अगले दिन डॉक्टर आया, उसकी आंखों की पट्टियां हटाईं, टांकों की जांच की और आंखों पर दवा आदि लगाकर नई पट्टियां बांध दी। जब तक महिला के नेत्रों पर पट्टियां बंधी रहती वह कुछ भी नहीं देख सकती थी। डॉक्टर को चोरी करने की आदत थी, वह महिला की बीमारी का नाजायज लाभ उठा रहा था। वह प्रत्येक दिन जब महिला के घर से वापस जाता तो उसके घर में रखी कोई मूल्यवान वस्तु उठाकर ले जाता। अंत में वह दिन भी आया जब महिला के नेत्रों का इलाज हो गया। डॉक्टर ने अपनी फीस मांगी, बूढ़ी महिला ने फीस देने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसकी नज़र पहले से भी अधिक खराब हो चुकी थी, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। डॉक्टर मामले को अदालत में ले गया। न्यायाधीश ने ध्यान से डॉक्टर की बात सुनी और फिर बूढ़ी महिला को पूछताछ के लिए बुलाया। बूढ़ी महिला ने कहा, आदरणीय श्रीमान, यह सही है कि इस नेत्र विशेषज्ञ ने मेरे नेत्रों का उपचार किया था, मगर फीस मैं तभी दूंगी जब मेरे नेत्रों का पूरा इलाज हो जाएगा। श्रीमान, इलाज से पहले मैं अपने घर में रखी सभी मूल्यवान वस्तु देख सकती थी। यह डॉक्टर इतना भला था कि रोज मेरे घर आकर मेरी आंखों की पट्टियां बदलता था। मेरे तो लगभग एक हफ्ते से पट्टियां बंद रही थी, परंतु जब आंखों से पट्टियां हटाई गई तो मुझे अपने घर में कोई भी सामान दिखाई नहीं दिया। न्यायाधीश जब सब कुछ समझ गया, उसने नेत्र चिकित्सक को लताड़ा और उसको महिला का सभी सामान वापस देने के लिए आदेश दिया। निष्कर्ष किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाएं।